एक भजन खुद मन गाया है, पर वो है दादा नंदलाल का। क्या लिखा है, क्या दर्शा है? बड़े बड़े नर घमंड मया कर, वे घटा जगत में मान गए, क्या बड़े बड़े नर घमंड मया कर, कटा जगत में मान गए, बड़े बड़े नर घमंड मया गए, कटा जगत में मान गए। करी कराई खोके सारी, करी कराई खोके सारी, पलक नहीं निशान गए, बड़े बड़े नर घमंड मया गए, कटा जगत में मान गए। इस भजन में ये जो सरल भजन है उनमें से एक है, आसानी से गानिया कभी समझ में आ जा, सुन गया कभी, और ना इसी शब्दावली लिख रखी है, कौन तो उसने याद करे। उतना इससे ये सिद्ध होता है कि उस समय जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी बोलचाल में ये शब्द थे, जब उनका ये शब्द समझ में आया करते ना, उनने कौन सुने है। आज हमारी बोलचाल में हमारी गुणवत्ता घटगी, हमारी बोलचाल में वे शब्द नहीं रहे, हमारे समझ माने कम हो गए। ऐसे ये कविता है, ये भी समझ मन को धला लाई के पट्ठे छाट दो, इस कविता के तुम पट्ठे छाट के और फिर किताब छपवाओ या चल जाएगी। मैं शशि कहना जरूरी है चांद कह दो, बात तो वाह है, बानू कहना जरूरी है सूरज कह दो, भाई इतना इतना हाँ फर्क है, ये शुद्ध पट्ठे छट गया नहीं। आई बानू ने शशि ने बताओ सरपंच साहब कौन जाने है आज, वो टाइम था जब उनकी भाषा थी। पहली कली में युगों के अनुसार क्या लिखा है, सम्मानित श्री जसवंत सन ऑफ राम निवासी 100 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद। सम्मानित श्री गजानंद शर्मा जी 100 रुपए से आशीर्वाद दिया, मेरा बार बार प्रणाम। गोलागढ़ से सम्मानित श्री राजा सरपंच साहब 100 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद। राजेंद्र दूध या 100 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद। भागीरथ सन ऑफ राम स्वरूप जी 100 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद। रमेश सन ऑफ श्री जयराम जी 100 रुपए से आशीर्वाद दिया, बार बार प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद। क्या लिखा, समझी को न्या उषा करी अकसीरी ने, इस दुखिया के अंडे दे दे कह दिया अगस कमीरी ने, तूनी झाल मार के कर जा समझा नहीं फकीरी ने, ओ दाई आचमन तोए ऋषि के, दाई आचमन तोए ऋषि के, साकर को पान गए, ओए ओए बड़ी बड़ी
आशीर्वाद दो और दिया मेरा बार बार प्रणाम। घनश्याम सनो फ्रामकण जी सोर पिशोर मान सम्मान किया बार बार प्रणाम। उड़ल गांव से बाबा विशारनाथ जी सोर पेश आशीर्वाद दिया गुरुमूर्ति के चरणों मेरा बार बार प्रणाम। अगर कविता में न्यू अजपन है सतयुग की कह दे फिर द्वापर की कह दे फिर त्रेता की लिया तो ये काल दोष हो जाता है। सतयुग या उससे भी आदि काल का जिक्र पहली कलीम आ गया, फिर दूसरी कलीम जिक्र आया त्रेता का, तीसरी में जिक्र आऊगा द्वापर का और चौथी में जिक्र आऊगा कलयुग का। स्टेप बाय स्टेप त्रेता में के देखा कर लेन लाग गया, मौत का ढंग तलाश किया, आप मरिया और कुटुंब खपाया, अपना पर्दा पास किया। काल रूप बने रामचंद्र ने जंगल के महावास किया, वाली रात आ गई, वादा करके सजन
नकली हंस बने हमने, नकली हंस बने हमने, पता तू धर पानी छान के यज्ञ हवन पुन दान भजन जन नियत रहे ठकान के पैसे का मोहताज जगत में अपना गैर पहचान के नहीं लेख अध्ययन किया वो सभा में कथा बखान के बोल बाबा सोमनाथ महाराज की भूमिया मंदिर से सोरपेशी गुरु मूर्ति नौ आशीर्वाद दिया मेरा बार बार प्रणाम नमस्कार धन्यवाद। सम्मानित श्री अश्विनी कुमार जी सोरपेशी मान सम्मान के बार बार धन्यवाद। ये सुरेंद्र शर्मा जी कुडल से सोरपेशी मान सम्मान के बार बार धन्यवाद धन्यवाद। सम्मानित श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी सोरपेशी मान सम्मान के बार बार धन्यवाद।